हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्विटलेक एकेडमी। आज के इस वीडियो में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का चैप्टर 6 हम लोग डिस्कस करेंगे, जो स्प्रिंग है और ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए है, साथ में सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये। और जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम है, SSC JEE RRB JEE या कोई भी PSU का एग्जाम हो या ESC का एग्जाम हो, ये सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो इसमें हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे एक ईजी मेथड के साथ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ लॉन्ग हेलिकल स्प्रिंग हैविंग अ स्प्रिंग स्टिफनेस ऑफ 12 किलो न्यूटन मीटर एंड नंबर ऑफ टर्न्स 20 ब्रेक इनटू टू हाफ, देन स्टिफनेस ऑफ द रिजल्टेंट स्प्रिंग विल बी। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें डाटा हम लोग लिखेंगे। डाटा एक बार समझ में आ गया, न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो स्प्रिंग स्टिफनेस दिया है और न्यू स्प्रिंग स्टिफनेस पूछ रहा है, तो यानी K1 है स्प्रिंग स्टिफनेस, ये हो जाएगा 12 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्न्स यानी N दिया है, इसको हम लोग ले लेंगे N1 है 20, और यहाँ पे दिया है ब्रेक इनटू टू हाफ देन स्टिफनेस ऑफ द रिजल्टेंट स्प्रिंग विल बी। तो दो भागों में जब इसको ब्रेक करेंगे तो N2 जो हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न 20/2 हो जाएगा, 20/2 यानी 10 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, K2 फाइंड करना है। ठीक है, तो स्प्रिंग स्टिफनेस का हम लोग फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, स्प्रिंग स्टिफनेस के इक्वल टू होता है GT^4 अपॉन 8 कैपिटल DQ इंटू N। ठीक है, तो यहाँ पे नोटेशन लिख देता हूँ। D जो है वो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ स्प्रिंग बोल सकते हैं। ठीक है, और K आप लोग को पता है स्प्रिंग स्टिफनेस है, स्टिफनेस, और G जो है वो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, ऑफ रिजिडिटी, एंड स्मॉल डी जो है वो है डायमीटर ऑफ स्प्रिंग। ओ सॉरी, स्मॉल डी तो यहाँ पे लिख लिया हूँ, अब कैपिटल डी करेंगे। कैपिटल डी जो है वो है मीन डायमीटर ऑफ कॉइल, मीन डायमीटर ऑफ कॉइल। ठीक है, तो सारे चीज रोटेशन हम लोग लिख लिए इसमें, और कभी कभी डायमीटर के जगह ये जो डायमीटर है रेडियस भी होता है, तो उसका भी बताता हूँ सिंबल। रेडियस जो होता है वो मीन रेडियस ऑफ कॉइल होता है, मीन रेडियस ऑफ कॉइल। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसमें क्या दिया है, सबसे पहले क्वेश्चन में देखना है कि दिया क्या हुआ है। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, देखिए स्प्रिंग स्टिफनेस दिया है और नंबर ऑफ टर्न्स N दिया है, यानी K और N को हमें कंपेयर करना है, K और N। तो यहाँ पे दिया है K इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू N है। ठीक है, इसका मतलब है कि K2 अपॉन K1 जो होगा वो हो जाएगा N1 अपॉन N2, क्योंकि इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, K2 को हमें फाइंड ही करना है, K1 का वैल्यू दिया हुआ है 12 और N1 जो है वो है 20 और N2 जो है वो 10 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो K2 जो होगा वो मिलेगा 2 × 12 = 24 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, K2 आ गया, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा C, 24 किलो न्यूटन पर मीटर। तो जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको ये फॉर्मूला पता रहेगा, तो ये आपको ये चीज़ पता रहेगा कि K जो है स्प्रिंग स्टिफनेस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स होता है। तो आप ये बस फॉर्मूला यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि K2 / K1 = N1 / N2 होता है, वैल्यू पुट करेंगे, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, कुछ टाइम नहीं लगेगा, 20-30 सेकेंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू क्लोज्ड कॉइल स्प्रिंग आर मेड फ्रॉम द सेम स्मॉल डायमीटर वायर, वन ओन्ड ऑन 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर कोर एंड द अदर ऑन 1.25 सेंटीमीटर डायमीटर कोर। इफ इच स्प्रिंग हैड एन क्वाइल्स देन द रेशियो ऑफ देयर स्प्रिंग कॉन्स्टेंट वुड बी। ठीक है,
तो रेशियो ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट पूछ रहा है, यानी के वन अपन के टू हमें फाइंड करना है, और दिया क्या है, डायमीटर दिया है। तो यहाँ पे देखिए डाटा लिख लेते हैं, तो डी वन दिया है 2.5 सेंटीमीटर और डी टू दिया हुआ है 1.25 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें इस पे रेशियो ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है और डायमीटर देना दिया है, तो के और डी का रिलेशन हमें फार्मूला से पता करना होगा। तो स्प्रिंग स्टिफनेस के का फार्मूला है जी स्मॉल डी टू द पावर 4 अपॉन 8 डी कैपिटल डी क्यू इंटू एन। तो इसमें के और डी का रिलेशन खोजना है, तो के इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी क्यू है, ठीक है, अब मिल गया। अब क्या होगा, अब हम लोग लिख सकते हैं के वन अपॉन के टू इक्वल टू डी टू अपॉन डी वन का होल क्यू, ये फॉर्मूला बनेगा। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि, और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जब एग्जाम में, तो यहीं से देखना है कि इसका रिलेशन क्या है, के और डायमीटर के साथ क्या रिलेशन है, एन के साथ क्या रिलेशन है, और स्मॉल डी के साथ क्या रिलेशन है, उस हिसाब से फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेंगे के वन अपॉन के टू इक्वल टू डी टू कितना है 1.25 अपॉन डी वन है 2.5 और इसको क्यूब, तो ये 1 हो जाएगा और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाय 2 क्यूब हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा 1/8। तो इसका रेशियो ऑफ देयर स्प्रिंग कांस्टेंट वुड बी 1/2 राइट ऑप्शन, सॉरी 1/8 राइट ऑप्शन बी, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, टू क्वाइल स्प्रिंग ईच हैविंग स्टिफनेस के आर प्लेस इन अ पैरेलल द स्टिफनेस ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी। ये काफ़ी बार एसएससी जेई में पूछा गया है, तो इक्विवेलेंट स्टिफनेस निकाल लेंगे, के इक्विवेलेंट और ये क्या है पैरेलल है, पैरेलल है, तो हो जाएगा टू क्वाइल स्प्रिंग है तो पैरेलल में क्या होता है एडिशन होता है, के प्लस के हो जाएगा यानी 2k हो जाएगा, यही राइट अप आंसर है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी 2k। क्वेश्चन फोर्थ, अ क्वाइल स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस के इज कट एग्जैक्टली एट द मिडिल एंड द टू स्प्रिंग दज मेड आर अरेंज इन पार्लर टू टेक अप टूगेदर अ कंप्रेसिव लोड द इक्विवेलेंट स्टिफनेस ऑफ टू स्प्रिंग इज। तो देखिए किसी भी स्प्रिंग को टू इक्वल पार्ट्स में जब कट करेंगे तो उसका स्टिफनेस होगा दोनों स्प्रिंग का वो डबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, इफ द स्प्रिंग इज कट इंटू टू इक्वल पार्ट्स देन द स्टिफनेस ऑफ बोथ द स्प्रिंग विल बी डबल, ठीक है। तो हमारा डायग्राम कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है, इस टाइप से डायग्राम होगा, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है, ठीक है, 2k और ये भी हो जाएगा 2k, ठीक है, ये कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग स्टिफनेस पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, तो इसके पहले जो क्वेश्चन किए हैं उसी टाइप से हैं, 2k प्लस 2k हो जाएगा, उसमें k प्लस k था तो इसमें 2k प्लस 2k हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4k हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 4k, सिंपल है। देखिए क्वेश्चन फिफ्थ, अ हेलिकल स्प्रिंग ऑफ 10 न्यूटन पर mm रेटिंग इज माउंटेड ऑन टॉप ऑफ अनदर हेलिकल स्प्रिंग ऑफ 8 न्यूटन पर mm रेटिंग। द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर अ टोटल कंबाइंड डिफ्लेक्शन ऑफ 45 mm थ्रू द टू स्प्रिंग इज, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले डाटा देखते हैं, तो इसमें K1 दिया हुआ है 10 न्यूटन मीटर, न्यूटन पर mm दिया हुआ है, यहाँ पे नहीं आ रहा, ठीक है। K2 जो है 8 न्यूटन पर mm दिया हुआ है, और डिफ्लेक्शन दिया हुआ है यानी डेल्टा
है 45 mm। तो ठीक है, सारे यूनिट mm में है, कोई दिक्कत नहीं है, कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा हमें। ठीक है, उसके बाद हम लोग डायग्राम एक बना लेते हैं। ठीक, तो ये डायग्राम है, ओके। तो यहाँ पे देखिए, ये K1 हो जाएगा, K1 दिया हुआ है 10 और K2 दिया हुआ है 8 न्यूटन पर mm। ठीक है, तो इस स्प्रिंग जो है वो कैसे सीरीज में प्लेस्ड है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है हेलिकल स्प्रिंग 10 न्यूटन पर mm रेटिंग इज माउंटेड ऑन टॉप ऑफ अनदर हेलिकल स्प्रिंग ऑफ 8 न्यूटन पर mm रेटिंग। इसका मतलब है कि जो स्प्रिंग है वो सीरीज में है, पैरेलल में नहीं है। ठीक है, ये 10 न्यूटन पर mm का जो है इसके टॉप में 8 वाले के टॉप में माउंटेड है। तो इससे समझ में आ गया कि ये जो है स्प्रिंग सीरीज में है। ठीक है, तो हम लोग फार्मूला लिखेंगे, सीरीज में जब रहता है तो 1/1 इक्विवेलेंट स्टिफनेस इक्वल टू होता है 1/1 K1 + 1/1 K2। ठीक है, तो इसको जब फाइंड करेंगे तो होगा K2 + K1 / K1 × K2। ठीक है, तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे जब हम लोग, तो हो जाएगा K इक्विवेलेंट इक्वल टू K1 × K2 / K2 + K1। तो आपको फार्मूला जो है ये याद रखना है कि सीरीज का फार्मूला जो होता है ये सीरीज का फार्मूला है। ठीक है, स्प्रिंग अगर सीरीज में रहा तो। अब इसके ऊपर वैल्यू पुट करेंगे, क्या है 10 × 8/1 8 + 10। तो सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा 80/18। ठीक है, तो 80/18 जो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 4.44 न्यूटन पर mm। अब हमें फाइंड क्या करना है, फोर्स फाइंड करना है कि फोर्स कितना होगा, और डिफ्लेक्शन दिया हुआ है। तो एक फार्मूला है डिफ्लेक्शन का फार्मूला है डेल्टा इक्वल टू एफ यानी फोर्स अपॉन इक्विवेलेंट स्प्रिंग स्टिफनेस। ठीक है, तो डेल्टा हमें दिया हुआ है 45 mm इक्वल टू फोर्स हमें फाइंड करना है, और इक्विवेलेंट टॉर्क इक्विवेलेंट स्प्रिंग स्टिफनेस जो है 4.44 हमें हम लोग यहाँ फाइंड किए हैं। तो 4.44 ये हो जाएगा, तो हो जाएगा फोर्स इक्वल टू 45 × 4.44। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आंसर आएगा 199.8 यानी अप्रोक्स हो जाएगा 200 न्यूटन। ठीक है, फोर्स हमें मिल गया 200 न्यूटन, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी 200 न्यूटन। तो बस आपको एग्जाम में यही याद करना है कि सीरीज वाला जो फार्मूला है ये है, इस पे वैल्यू पुट करना है, और यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू फार्मूला आपको याद रहेगा, फिर यहाँ वैल्यू पुट करना है, आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन 6 देखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A spring with 25 active coils cannot be accommodated within a given space. Hence, 5 coils of the spring are cut. What is the stiffness of the new spring? ठीक है, एक स्प्रिंग है, उसका 25 active coils है, लेकिन वहाँ पे जितना स्पेस है वहाँ पे accommodate नहीं कर पा रहा, तो 5 coils को हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। तो 5 coils को कट करने के बाद पूछ रहा है कि उसका स्टिफनेस, जो न्यू स्प्रिंग का स्टिफनेस क्या होगा, यानी K2 क्या होगा। ठीक है, K2 पूछ रहा है, तो ऑप्शन दिया है सेम एज द ओरिजिनल स्प्रिंग, 1.25 टाइम्स द ओरिजिनल स्प्रिंग, 0.8 टाइम्स द ओरिजिनल स्प्रिंग एंड 0.5 टाइम्स द ओरिजिनल स्प्रिंग। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट कॉइल जो था वो N1 25 कट कर दिए, तो N2 जो हो गया वो हो गया 20। ठीक है, डाटा है हमारा, और K1 जो है वो ओरिजिनल स्प्रिंग है। ठीक है, ओरिजिनल स्प्रिंग, और K2 जो है वो न्यू स्प्रिंग है, न्यू स्प्रिंग। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं, तो आपको फार्मूला पता है, फार्मूला से K और N, ये इसमें देखना है रिलेशन क्या है, K और N का रिलेशन है।
तो हमारा फॉर्मूला क्या है, के इक्वल टू जी स्मॉल डी टू द पावर 4 8 डी क्यू एन, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग के इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, यानी के वन अपन के टू इक्वल टू हो जाएगा एन टू अपन एन वन, ठीक है। तो के वन अपन के टू फाइंड करेंगे तो एन टू है 20 और एन वन है 25, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा के टू इक्वल टू 1.25 के वन हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन जो है बी हो जाएगा 1.25 टाइम्स द ओरिजिनल स्प्रिंग, के वन ओरिजिनल स्प्रिंग था, तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी। काफी सिंपल है। क्वेश्चन सेवेंथ देखिए, अ क्लोजली क्वाइल हेलिकल स्प्रिंग ऑफ 20 सेंटीमीटर मीन डायमीटर इज हैविंग 25 क्वाइल्स ऑफ 2 सेंटीमीटर डायमीटर रॉड, द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ द मटेरियल इफ 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द स्टिफनेस फॉर द स्प्रिंग इन न्यूटन पर सेंटीमीटर, ठीक है। सारा सेंटीमीटर में ही ये डाटा दिया हुआ है, तो क्योंकि हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है तो हम लोग डाटा लिखेंगे। तो देखिए 20 सेंटीमीटर जो है ये मीन डायमीटर है, मीन डायमीटर यानी कैपिटल डी, ठीक है, कैपिटल डी है 20 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर डायमीटर रॉड यानी स्मॉल डी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और एन जो है 25 क्वाइल्स दिया है, यानी नंबर ऑफ टर्न्स, एन जो है 25 है, और हमें क्या करना है, के फाइंड करना है। अच्छा हाँ, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी भी दिया हुआ है हमें 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे स्प्रिंग स्टिफनेस का फॉर्मूला लिख लेते हैं। के इक्वल टू होता है, अभी तक तो आप लोग को याद हो गया होगा, जी डी टू द पावर 4 अपन 8 कैपिटल डी क्यू इंटू एन, अभी तक याद हो गया होगा। और काफ़ी बार एग्जाम में सिर्फ फार्मूला ही पूछ लिया जाता है, तो फार्मूला ध्यान से आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए वैल्यू पुट करेंगे, जी का वैल्यू है 10 टू द पावर 7 इंटू स्मॉल डी कितना है 2 सेंटीमीटर, तो 2 टू द पावर 4 अपॉन 8 इंटू कैपिटल डी क्यू यानी 20 क्यूब, ठीक, इंटू एन जो है वो है 25, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका के का वैल्यू आ जाएगा 100 न्यूटन पर सेंटीमीटर। इतना मैं उम्मीद कर सकता हूं आप लोगों को कि ये सॉल्व करने आ जाएगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो गया बी, 100 न्यूटन पर सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड, तो ये स्प्रिंग का जितना टाइप का न्यूमेरिकल था वो सारे न्यूमेरिकल हम लोग कवर कर लिए हैं, इसके बाहर का कुछ भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा, गारंटी है। तो अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप बाकी सारे यूनिट देखने के लिए, सॉम का जितना यूनिट है वो सारे यूनिट में कंप्लीट किया हूँ, तो वो हमारे एप्लीकेशन पे है। तो गूगल प्ले पे जाके ट्यूटलेज एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। गूगल प्ले पे जाके ट्यूटलेज एकेडमी का एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, और वहाँ पे डाउनलोड करने के बाद आपको सारे वीडियो ये मिल जाएगा वहाँ पे। और इसका जो लिंक है एप्लीकेशन का वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन, और सारे चैप्टर का न्यूमेरिकल आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।